जय शनिदेव। श्री शनि पुराण भाग दो। श्री शनि पुराण साहित्य को ऑडियो रूप में श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं को श्री शनि पुराण की वाचिका लेखिका एस्ट्रोलॉजर शनि शादिका डॉक्टर विभा श्री का नमस्कार है। आज श्री शनि पुराण के भाग दो का पाठ करने के पूर्व हम सर्वप्रथम पंच देवताओं में के प्रमुख देवता, इस सृष्टि के संचालक, जीवनदाता, जिनकी कृपा के लिए ये सारी सृष्टि उनकी ऋणी रहेगी, श्री शनिदेव जी के पिता श्री सूर्यनारायण भगवान के एक बहुत ही मधुर प्रभावी स्त्रोत से उनकी स्तुति करेंगे, जिसका संक्षिप्त भावार्थ यह है कि तीनों लोकों में अपने तेज से सारी सृष्टि को प्रकाशित करने वाले तेजोमय सूर्यनारायण देवता सारा विश्व, सारे देव, ब्राह्मणगण, विद्वान, ज्योतिषगण, वेद, सभी तीनों लोकों में आपकी स्तुति होती है। हम भी आपकी स्तुति करते हैं। आपके अद्वितीय तेज को हम बारंबार वर्णन करते हैं। पुनः तु माम तस्सवितुर्वरेण्यम्। मंडलम दीप्तिकरम विशालम रत्न प्रभम तीव्रमनादिरूपम दारिद्र्य दुख क्षय कारणम च पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यम्। पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यम्। यन मंडलम देवी गणेशु पूजितम विप्रस्तुतम मानव मुक्ति कोविदम त्वम देव देवम प्रणमामि भर्ग पुनः तु माम तस्य वितुर्वरेण्यम्। पुनः तु माम तस्य वितुर्वरेण्यम्। यन मंडलम ज्ञान घनम त्वगम्यम त्रैलोक पूज्यम त्रिगुणात्मरूपम समस्त तेजो मय दिव्य रूपम पुनः तु माम तस्य वितुर्वरेण्यम्। पुनः तु माम तस्य वितुर्वरेण्यम्। यन मंडलम गूढ़मती प्रबोधम धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत् सर्व पाप क्षय कारणं च पुनः तु मां तस्य वितुर्वरेण्यम्। पुनः तु मां तस्य वितुर्वरेण्यम्। यन मंडलम व्याधि विनाश दक्षम यद्गोयजुहसामस संप्रगीतम प्रकाशितम येन च भूर्भुवा स्वा पुनः तु मां तस्य वितुर्वरेण्यम्। पुनः तु मां तस्य वितुर्वरेण्यम्। यन मंडलम वेद विदो वदंती गायंती अच्चारण सिद्ध संघा यद्योगिनो योग जुषां च संघा पुनः तु मां तस्य वितुर्वरेण्यम्। पुनः तु मां तस्य वितुर्वरेण्यम्। यन मंडलम सर्वजनेषु पूजितम ज्योतिश्च कुर्यादि मृत्युलोके यति काल कालादि मनादि रूपम पुनः तु मां तस्य वितुर्वरेण्यम्। पुनः तु मां तस्य वितुर्वरेण्यम्। यन मंडलम विष्णु चतुर्मुखस्य रक्षरम पापहरम जनानां यति काल कल्प क्षय कारणम च
पुनः तु मां तस्वितुर्वरेण्यं पुनः तु मां तस्वितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विस्पृसृजां प्रसिद्धम् उत्पत्ति रक्षा प्रलय प्रगल्यम् यास्मिन् जगत् संग हरते खिलं च पुनः तु मां तस्वितुर्वरेण्यं पुनः तु मां तस्वितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्विगतस्य विष्णो आत्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मनातरयोगर्पथानुगम्यं पुनः तु मां तस्वितुर्वरेण्यं पुनः तु मां तस्वितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धिसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनः तु मां तस्वितुर्वरेण्यं पुनः तु मां तस्वितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोऽपि गीतं यद्योगिनो योगिपथानुगम्यं तत् सर्वभेदं प्रणमामि दिव्यं पुनः तु मां तस्वितुर्वरेण्यं पुनः तु मां तस्वितुर्वरेण्यं पावन बना दो हे देव सविता ओम सूर्याय नमः। शनिदेव के भाग दो को प्रस्तुत करने के पूर्व आपकी जानकारी के लिए आपको बताना जरूरी है कि ज्योतिष में जो शनि ग्रह हैं भौतिक क्षेत्र में शनिदेव हैं, इनसे संबंधित वो सारी जानकारियाँ ज्ञान विज्ञान की बातें इस श्री शनि पुराण में नहीं शामिल की गई हैं, जिनका मेरी पिछली 25 किताबों में अधिकांश जिक्र किया गया है। 1997 से लेकर आज तक ज्ञान प्रशिक्षण व्याख्यान संत सेवा सत्संग आदि जो भी हुए हैं उनमें भी बहुत सारी ज्ञान चर्चा विस्तृत में हुई है और श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के YouTube चैनल के वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारा शनि संबंधी ज्योतिष ज्ञान लोगों तक पहुंचाया गया है। इसलिए 2003 में प्रकाशित इस श्री शनि पुराण में जितने विषय लिए गए थे संस्कृत स्त्रोत पद काव्यों को छोड़कर सभी को हूबहू उसी शैली में ऑडियो बुक के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। बुक के प्रारंभ में प्रकाशक की कलम से लेखिका का परिचय यानी मेरा परिचय और कैसे बनी मैं शनि शादी का इसकी सच्ची कहानी भी दी गई है जो इस ऑडियो में नहीं ली गई है, क्योंकि पिछले दिनों बायोग्राफी ऑफ शनि शादिका का या शनि शादिका के बायोग्राफी भाग एक और भाग दो के नाम से जो दो वीडियो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर लोगों की जिज्ञासा हेतु डाले गए हैं, जिनको देखने से आप इस श्री शनि पुराण के महत्व को अधिक समझ पाएंगे, इसलिए यह विषय यहाँ पर नहीं लिया गया है। शनिदेव का भौतिक परिचय, भौतिक परिचय में सबसे पहले शनिदेव का जन्म आता है। तो शनिदेव जी का जन्म सौराष्ट्र में बताया जाता है और शनि जयंती ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। छाया के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, पिता सूर्यदेव, माँ छाया देवी को सुवर्णा भी कहते हैं, भाई यमराज हैं, एक बहन यमुना हैं और गुरु भगवान शिव हैं। जन्म स्थल सौराष्ट्र गुजरात
माना गया है। गोत्र कश्यप, रंग सांवला, स्वभाव त्यागी, तपस्वी, क्रोधी, गंभीर, स्पष्टवादी, एकांत प्रिय, न्यायप्रिय आदि है। मित्र हैं इनके हनुमान जी, काल भैरव जी, बालाजी। प्राचीन प्रतिमा विज्ञान में शिल्पकारों ने शनि को काले रंग का बनाया है। अगम ग्रंथ के अनुसार शनि श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं। एक भुजा यानी हाथ में गदा धारण करते हैं, दूसरा आशीर्वाद की मुद्रा में रहता है। मत्स्य पुराण में इनको लोहे के रथ पर बैठा बताया है। 8 सर्प मिलकर उस रथ को चलाते हैं। विष्णु पुराण में मंद गति से चलने वाला बताया है। जिसकी जैसी भावना रही उसने शनिदेव के बारे में वैसी ही कहानियाँ बनाई हैं। इनका उल्लेख कई पारंपरिक पोथियों में मिलता रहा है। अब बात करते हैं अंधविश्वासों की। शनिदेव से संबंधित बहुत कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका हमारे घरों में होना कई बार हमारा सुरक्षा कवच बनाने का काम करता है, पर अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हैं कि लोग उसका विज्ञान ही नहीं समझ पाए हैं। जैसे शनिदेव की फोटो, यंत्र, मूर्ति या शनि से संबंधित कोई भी वस्तु घरों में रखने के लिए, व्यापार क्षेत्र में रखने के लिए आज भी लोग संकोच करते हैं। तमाम प्रकार के अंधविश्वास इसके विषय में फैले हैं। महिलाओं को लेकर, शनिदेव की पूजा का अधिकार देने को भी लेकर बहुत सारे अंधविश्वास हैं कि महिलाओं को शनि मंदिर के अंदर कई स्थानों पर प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए या महिलाएं पूजा ना करें। नींबू मिर्ची लगाने को लेकर तेल मांगने वाले जो गली गली में घूम रहे हैं उनको तेल देना, पैसे देना, शनि मंदिर के सामने बैठे भिखारियों को शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे और जिनका विश्लेषण करेंगे। ये सब अंधविश्वास की जड़ें बहुत गहरी हैं। मैं घटना चक्र के माध्यम से, सच्ची बात के माध्यम से, शनि पुराण में किए गए उल्लेख के माध्यम से आपको इसकी चर्चा करती हूँ। एक घटना है, हमारे एक नज़दीकी परिचित परिवार में तुलसी के गमले के अंदर आंगन में शनिदेव के यंत्र की पूजा होते मैं हमेशा देखती थी। एक दिन घर के मुखिया से पूछा कि आप शनि यंत्र को यहाँ घर के बाहर आंगन में तुलसी के अंदर रखकर पूजा क्यों करते हैं, घर के अंदर क्यों नहीं रखते हैं। वे मुझे समझाने लगे कि घर के अंदर कभी भी शनिदेव की पूजा कोई भी नहीं कर सकता या पूजा भी की कोई भी वस्तु नहीं रखना चाहिए, यदि रखते हैं तो शनिदेव का प्रकोप लगता है, घर के लोगों को शनि लग जाता है, इसलिए बाहर ही रखकर पूजा करना चाहिए। अंधविश्वास तो और भी बड़ा है। एक दूसरी घटना दुर्ग छत्तीसगढ़ जिले की है। एक नेताजी भविष्य दिखाने आते थे, उन्हें पैरालिसिस लकवा हो गया था। हमने उनके बहुत आग्रह पर उनकी चिकित्सा प्रारंभ की। चूँकि लकवा शनि पीड़ा का एक शनि रोग का अंग है, इसलिए हमने उनसे कहा कि आपको हमारे द्वारा प्राण प्रतिष्ठित श्री शनि यंत्र, शनि चित्र, पूजन का सामान आदि अपने घर में ले जाना पड़ेगा, उसे अपने देवालय में स्थापित करना पड़ेगा। आपको शनि की दशा चल रही है, आपको दवा के साथ साथ नित्य प्रातः स्नान के बाद शनिदेव की पूजा अर्चना दुआ की प्राप्ति के लिए करनी पड़ेगी। जब शनिदेव की दुआ होगी तभी हमारी दवा काम करेगी। वे हमें मानते थे, हमारी बात को भी मान गए। अपने घर में शनिदेव की शक्तियों को स्थापित करने के लिए नित्य पूजन प्रारंभ कर दिया। शनि कृपा से शनि चिकित्सा की दवा दुआ बनकर काम करने लगी। लाभ धीरे धीरे हो रहा था कि एक दिन उनके घर में कुल पुरोहित आए और उनसे यह सुनकर कि वे नित्य अपने देवालय में शनि की पूजा कर रहे हैं अपना क्रोध व्यक्त करने लगे।
पुरोहित महोदय ने नेताजी से बार बार कहा कि तुमने शनिदेव का सामान अपने घर में लाकर और फिर अपने घर में उनको स्थापित करके उससे भी बड़ी भूल कर दी है। पहले ही तुम्हें शनि लगा हुआ है, शनि की पीड़ा भुगत रहे हो और आगे और शनि की पीड़ा भुगतने की तैयारी कर रखी है। पहले से ही तुम्हें शनि लगा था, फिर और शनि का सामान घर में लाकर रखने की क्या जरूरत थी। ऐसा कहकर पुरोहित जी ने उन्हें आदेश दिया कि जितना शीघ्र हो सके यह शनि पूजन सामग्री किसी शनि मंदिर में जाकर छोड़कर आ जाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। पुरोहित जी के जाने के बाद नेताजी विचलित हो गए। उन्होंने कुल पुरोहित की आज्ञा का पालन करते हुए एक काले कपड़े में शनि यंत्र, शनि चित्र, पूजा की सामग्री सभी लपेटी और सारा सामान नज़दीक के शनि मंदिर में छोड़कर आ गए। संयोग से उस दिन शनि मंदिर में पूजन कार्य के लिए जब मैंने वह सामान खोलकर देखा तो याद आया कि यह उपाय सामान तो नेताजी को दिया था, फिर यहाँ वापस शनि महाराज जी के ही पास कैसे आ गया। बात को समझते देर नहीं लगी, पता चल गया कि शनि लग जाने के भय से उनको यह सब करने पर मजबूर कर दिया। अब उन्हें और उनके पुरोहित को कौन समझाए कि शनि से दूर रहने पर ही शनि का भय लगता है। शनि लगता है जितना दूर भागेंगे, उतना दूर भागने से, शनि को अपनाने से, उसकी नज़दीकी से भय खत्म होता है, शनि कृपा आती है। ऐसी ही एक घटना और हमारे इंदौर मध्य प्रदेश आयोजक की है। उनका ट्रांसपोर्ट का व्यापार था, ट्रक दोनों बहुत परेशान कर रहे थे, ट्रकों को बेचने की जिद ठाने हुए थे। हमने कुछ शनि शांति उपाय बनाकर दिया और साथ में यह भी कहा कि इस उपाय के साथ हमारे दिए गए भोजपत्र के यंत्र को रोटी पर रखकर प्रति शनिवार को गाय को खिलाना पड़ेगा, 9 शनिवार के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। वे बड़ी श्रद्धा से उपाय करने लगे। साथ में शनिवार को ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बहुत भयानक होते हुए भी ड्राइवर सुरक्षित बचा, माल भी सुरक्षित बचा, मगर ट्रक चकनाचूर हो गया। वे दुखी व परेशान होकर बचे हुए 2 शनिवार का सामान लाकर हमारे पास गुस्से में यह कहकर छोड़ गए कि आपने तो कहा था 9 शनिवार के अंदर काम हो जाएगा, किया था ट्रक बेचने का उपाय, व्यापार के लिए पैसा कमाने का उपाय, और बर्बादी ट्रक की हो गई। अच्छा था जो शनि के चक्कर में मैं पड़ता ही ना था। यह उपाय ना करने पर इसी दुर्घटना में किसी की जान चली जाती थी, ट्रक के साथ माल का नुकसान भी हो जाता था। उस समय उन पर क्रोध सवार था, वे गुस्से में पैर पटकते हुए चले गए और फिर 4 माह बाद मिठाई का डब्बा लेकर, ढेर सारे उपहार लेकर मुझसे मिलने आए, माफ़ी मांगी, बोले, उस समय मेरे मन में सभी लोगों ने यह बात बिठा दी थी कि तुमने शनिदेव की शक्तियों को घर में लाकर रखा है, उनका अधिक मानना प्रारंभ किया है, उपाय करना शुरू किया है, इसलिए मुझे लगा कि ट्रक का एक्सीडेंट इसी वजह से हुआ है। मगर यहाँ से जाने के बाद उस ट्रक के लिए मैंने इंश्योरेंस कंपनी में अर्जी दी, सारी कार्रवाई होने पर उन्होंने मुझे बर्बाद हुए ट्रक की इतनी अच्छी कीमत दी कि मैं लाख कोशिश करता तब भी इतनी अच्छी कीमत पर ट्रक कभी नहीं बेच पाता। मगर वह ट्रक अच्छी कीमत दे गया और उसके इंश्योरेंस के पैसे से मैंने एक नया ट्रक अपने व्यापार की सफलता के लिए खरीद लिया, जिसका कि मुझे बरसों से इंतजार था। और यह सारी सफलता आपके द्वारा बताए गए शनिदेव जी की सेवा उपायों से ही मिली है। मैं शनिदेव को समझ नहीं सकता। अब आपसे अपनी गलती की माफ़ी मांगने आया हूँ। यह घटना भले ही एक व्यक्ति की बताई गई है, मगर यह अनेक व्यक्तियों की गलत धारणा है कि शनिदेव के उपाय जब से कर रहे हैं तब से और तकलीफ बढ़ गई है और लाभ नहीं मिला है। अब उन्हें कौन समझाए कि बड़े से बड़े संकट जो बाद में आने वाले होते हैं वे शनि उपायों को करने से छोटा रूप लेकर आते हैं और शीघ्र घटित हो जाते हैं, और उसमें भी हमारा लाभ ही छुपा होता है। शनिदेव मिटाकर ही तो बनाते हैं। ये ऐसे अनेक प्रसंग आपके सामने में मैं अक्सर लोगों को बताया करती हूँ। एक बार तो अद्भुत घटना ही घट गई। हुआ यह कि नासिक जिले के मालेगांव शहर में शनि प्रवचन चल रहा था। 12-13 जनवरी 1999 को
एक 14 जनवरी के मकर संक्रांति पर ये आयोजन था। लोग हट करने लगे। यहाँ से एक घंटे की दूरी पर नांदगांव तहसील में नस्तनपुर शनि क्षेत्र है, आपके साथ वहाँ हम सभी जाकर मकर संक्रांति के पावन पर्व पर शनिदेव जी का अभिषेक करना चाहते हैं। हमने भी वह मान लिया और उसके बाद में शनि दर्शन की इच्छा तो थी, सोचा कि महाराष्ट्र के इस आदि धाम का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है तो लाभ उठाना ही चाहिए, क्योंकि ढाई धामों में शनिदेव जी का वह नस्तनपुर शनि क्षेत्र आता है। एक शनि का पूर्व धाम उज्जैन के नवग्रह शनि मंदिर को मानते हैं जो इंदौर रोड पर है, और एक शनि धाम बीड़ जिले के राक्षस भवन क्षेत्र को मानते हैं जो कि अगस्त ऋषि के ज़माने से है, और आधा पीठ ये जो धाम है शनि नस्तनपुर माना गया है। हम अपने दलबल के साथ में 14 जनवरी 99 को मकर संक्रांति के दिन शनि महाराज जी का समस्त पूजन सामान लेकर वहाँ पहुँचे। वहाँ जैसे ही भाव विभोर होकर शनिदेव को तेल चढ़ाने के लिए, उन्हें स्पर्श करने के लिए, देव पूजन अर्चना के लिए हम आगे बढ़े, वहाँ के पुजारी जी आदरणीय कुलकर्णी पंडित जी ने आदेश दिया कि आप आगे मत बढ़िए, आप महिला हैं और हमारे मंदिर में कोई महिला शनि मूर्ति स्पर्श नहीं कर सकती। उन्होंने तो नेम प्लेट लगा के रखी हुई थी मंदिर के आगे कि महिलाएं प्रवेश न करें, जो हमने देखी ही नहीं थी। हमने हमारे साथ गए भक्तों ने उन्हें बहुत समझाया कि मैं शनि शादी का हूँ, शनिदेव की भक्ति शक्ति में रोम रोम में मेरे बसती है, मैं पूजन कर मुझे पूजन करने दिया जाए। मगर पंडित जी का हट कम नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि कोई भी महिला यहाँ शनिदेव का पूजन नहीं करेगी। विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि मैं भी हट करने लगी। मैंने पंडित जी से कहा, आप मुझे रोक नहीं सकते, जब मैं बड़े बड़े देवालयों में पुरोहित बनकर शनिदेव जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करा सकती हूँ तो आपके मंदिर में पूजा क्यों नहीं कर सकती, मैं आज शनिदेव का अभिषेक करके ही रहूँगी। मैंने पंडित जी से कहा कि आप अपने नियमों का पालन कीजिए और मैं अपनी प्रार्थना शनिदेव जी की शनि चरणों में रखती हूँ, अब देखना यह है कि आप मुझे रोकने में कामयाब होते हैं या मैं शनिदेव जी की कृपा से उनके चमत्कार से उनकी पूजा करने में कामयाब होती हूँ। यदि मेरे अंदर की शनि श्रद्धा सच्ची है तो शनिदेव मुझे स्वयं अपने पास बुला लेंगे। मैंने सभी भक्तों को उनके नाम गोत्र का संकल्प कराया, दशरथ उवाच का शनि स्त्रोत पढ़ना पाठ कराया और उसके बाद में भाव विभोर होकर मंत्रों का पाठ चालू कर दिया। मन में मन्नत रखी कि शनिदेव आप मुझे आपके पूजन के लिए स्वयं बुलावें। इधर पंडित जी के अंदर उनके तन मन में अजीब सी हरकतें होने लगीं, मन में शनिदेव के साथ मेरे प्रति भी श्रद्धा उमड़ आई, तन कंपन करने लगा, मन बार बार उन्हीं से प्रश्न करने लगा, क्यों रोक रखा है, आने दो दोनों, कोई पाप नहीं है। पंडित जी अपने अंतरात्मा से निकली आवाज़ को रोक नहीं पाए और अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़कर नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगे, दीदी मुझसे गलती हो गई है, आप पधारें आगे मंदिर के अंदर आएँ और मैं स्वयं आपके द्वारा अभिषेक कराता हूँ। उन्होंने फिर विधि पूर्वक मुझे व मेरे साथ गए भक्तों को सपत्नीक अभिषेक कराने का सौभाग्य दिया। सभी महिलाएं हैरान थीं कि जीवन में पहली बार इतनी उम्र होने पर इतने बड़े शनि तीर्थ क्षेत्र में, जहां पर बाहर अंदर हर जगह वर्षों से बोर्ड लगा है कि महिलाएं शनिदेव की पूजा ना करें, फिर भी शनिदेव ने स्वयं होकर अपने पूजन का सौभाग्य दिया। सभी में चर्चा का विषय बन गया कि जरूर यह मालेगांव में शनि प्रवचन कराने की भक्ति तपस्या का हमारा फल है और दीदी जी की भक्ति का पूर्ण फल प्रसाद रूप में हमें मिला है। यह खबर पूरे नस्तनपुर में फैल गई। वहाँ के जो ट्रस्टी श्री अनिल अहिर जी जो थे राजनीतिक व्यक्ति थे, लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि शनिदेव की पूजा महिलाएं भी कर सकती हैं। तभी सर्वसम्मति से एक आग्रह भरा प्रस्ताव आया वहाँ के अनिल अहिर जी के द्वारा कि 99 में जो शनि जयंती है उस दिन विभाश्री जी का प्रवचन यहाँ नस्तनपुर के प्रांगण में होना चाहिए, दीदी जी के द्वारा एक विशाल शनि शांति अनुष्ठान भी होना चाहिए और इस बार के शनि जन्मोत्सव के प्रथम अभिषेक पूजन हम दीदी जी के हाथों से ही कराना चाहते हैं। ऐसा ही हुआ।
99 में मई में आने वाली शनिश्चरी अमावस्या व शनि जयंती पर शनि नस्तनपुर शनि क्षेत्र में बहुत बड़ा शनि शांति अनुष्ठान और प्रवचन 2 दिन के लिए रखा गया। शनि आदेश मानकर लोगों ने मेरे हाथों से शनिदेव का अभिषेक कराया, उत्सव मनाना प्रारंभ हुआ। अथाह जनता भक्त समुदाय उमड़े शनि शांति अनुष्ठान में। पहले वाले बुद्धिजीवी अति प्रसन्न थे। उस दिन मंच पर हजारों की भीड़ में इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले अनिल अहिर जी को, जो शनि क्षेत्र नस्तनपुर के अध्यक्ष हैं, उनको तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया कि आज आपने शनिदेव जी की भक्ति मार्ग पर फैली हुई बड़ी भ्रांति को तोड़ने का प्रयास किया है। इतना बड़ा शांति उत्सव कराकर आपने शनिदेव के संकेत से जो अंधविश्वास फैल रहा था वह दूर किया है। अब मैंने उनको विधायक पद पाने के लिए आशीर्वाद दिया। उस पद पर रहकर नस्तनपुर क्षेत्र का कार्य विकास करें, शनिदेव जी के मंदिर में निर्माण कार्य को पूरा कराएं। जब यह आशीर्वाद दिया तब लोग हैरान थे कि एक साधारण आदमी जो छोटी मोटी राजनीति तक रुचि रखता है वह विधायक कैसे बन सकेगा। मगर भविष्यवाणी सत्य हुई। ठीक 6-7 माह बाद वे विधायक के लिए खड़े हुए और भारी बहुमत से चुने गए। एक और बड़ा अंधविश्वास है। कई लोगों का मानना है कि शनिदेव तेली है। जो तेली समाज के लोग हैं वे गर्व से कहते हैं, हम शनिदेव के समाज के हैं। अब ये सोचने की बात है कि जब भी हम कोई संकल्प शनि पूजा के लिए लेते हैं तो कश्यप गोत्र का स्मरण करते हैं, और कश्यप गोत्र में उत्पन्न शनि के नाम पर जो हम गोत्र का स्मरण करते हैं वो कश्यप ऋषि के नाम से करते हैं। पौराणिक आख्यानों के अनुसार शनिदेव कश्यप की वंश परंपरा में भगवान सूर्य की भार्या छाया के पुत्र हैं। कुछ विद्वानों के विचार से शनि को काश्यपेय नाम से इसलिए संबोधित किया जाता है कि शनिदेव की उत्पत्ति महर्षि कश्यप के अभिभावकत्व में संपन्न यज्ञ से हुई थी। विद्वानों के मत से शनिदेव की काश्यपेय संज्ञा काश्यप पुत्र सूर का पुत्र होने की वजह से दी गई है। सूर्य देवता और छाया दोनों ही क्षत्रिय वंश के माने गए हैं, और जब संतान उनके यहाँ पैदा होगी तो वह भी सूर्य के जैसी क्षत्रिय वंश की हो जाएगी। लोगों ने अलग अलग संबोधन दिए हैं। किसी ने कश्यप वंशी कहा है, किसी ने क्षत्रिय वंशी कहा है, पर तेली तो नहीं कहा है। एक प्रसंग के दौरान यह जरूर आता है कि राजा विक्रमादित्य के संकट के समय में शनिदेव ने एक तेली का रूप रखकर विक्रमादित्य की मदद की थी, जिससे वे कुछ पल के लिए तेली बने थे। इसका मतलब जन्म से कैसे लिया जा सकता है। दूसरे प्रसंग के अनुसार शनिदेव को तेल बहुत ही प्रिय है, इसलिए तेल प्रिया है उनका नाम पड़ा है। अतः तेल तेली के यहाँ पर ही तैयार होता है। तो लोग ने भ्रांति फैला दी कि तेल शनि को पसंद है इसलिए वे तेली हैं। भौतिक रूप से देखा जाए तो शनिदेव का रूप चित्रण लोगों ने उनकी क्रूरता के कारण विभत्स और भयानक किया है। शनिदेव को न्याय का कार्य करने के लिए दरिद्र अपवित्र से अपवित्र जगह पर भी जाना पड़ता है। वे ऊंचाई को छूने वाले से लेकर भूमि के गर्भ में वास करने वालों तक अपना कार्य संचालन करते हैं। शनि को बहम में आकर और गलत स्त्रोतों के कई निर्माण हो जाने के कारण लोगों ने बेढंगा और बदसूरत जितना भी खराब चित्रण दिखाया जा सकता था दिखाया है। जबकि वैज्ञानिकों का कहना है, विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है कि शनि से अधिक दैदीप्यमान खूबसूरत नीलम जैसी आभा वाला तेज प्रभाव वाला कोई दूसरा ग्रह है ही नहीं, और हमने कल्पना में ही गलत मूर्ति बसा रखी है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो इस तरीके से मूर्तिकारों ने ही गलत चित्रण शनिदेव की मूर्ति का किया है, गलत निर्माण किया है। तो इस तरीके से
ये जो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं इनसे ही उपाय निकलते हैं। अभी आपको छोटे छोटे से उपचार के माध्यम से यह पता चलेगा कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा कैसे जानेंगे कि हमारी शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, साढ़े साथी, ढैया या शनि संबंधी जो भी दोष था वो हमने कम किया है। जैसे शनिदेव की फ़ोटो घर में रखना, यदि हम शनिदेव का कोई भी चित्र अपने घर में किसी भी पवित्र स्थान पर रखते हैं और नित्य प्रतिदिन उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, हमारा जो जीवन उन्होंने दिया है, आयु और आरोग्य जो हमें दिया है उसके प्रति हम कृतज्ञ होते हैं, तो निश्चित रूप से वह हम पर सदा कृपा बनाए रखते हैं। यदि शनिदेव का कोई भी यंत्र हम अपने देवालय में रखते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ पर उसमें तेल अभिषेक करके या अगरबत्ती दिया जला के पूजन करते हैं तो इससे बड़ी शांति आती है। शनिदेव की कोई भी मूर्ति हो, किसी भी धातु की हो, यदि हम अपने घर में उसे एक पात्र में रखकर उस पर तेल अभिषेक करते हैं और हर शनिवार के दिन मान रखते हैं, तेल का दिया जलाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी कृपा सदा इस घर पर बनाए रखें, निश्चित रूप से इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बहुत सारे अंधविश्वास हैं, जैसे नींबू और मिर्ची लगाने को लेकर, कुछ भी नहीं होता ये नींबू और मिर्ची लटकाने की परंपरा से। लोगों ने इतनी गलत फहमियाँ फैला रखी हैं कि शनिवार के दिन जगह जगह नींबू मिर्ची बेचने वाले मिल जाएंगे और धर्म भीरु व्यक्ति उसे खरीद लेंगे, अपनी गाड़ी में लगाएंगे तो कहीं दुकान और कहीं अपने व्यापार क्षेत्र और कहीं अपने घरों में लटकाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से घर में शनि की पीड़ा नहीं आती, किसी की नज़र नहीं लगती, पर यह कोरा अंधविश्वास है। ऐसा होना होता तो जो नींबू बेचता है और जो मिर्ची बेचता है फिर तो उसे अत्यधिक लाभ ही लाभ होना चाहिए था, उसको तो भला कोई तकलीफ ही नहीं आनी चाहिए थी। तेल मांगने वालों का तो व्यापार गजब का है। एक पात्र ले लिया, उसमें मूर्ति रख ली, जगह जगह गए, हर शनिवार के दिन जहाँ पर भी कोई व्यक्ति दाता दिखा उससे कहा शनि का तेल का दान दो, शनि के नाम से दान दो, शनिदेव आप पर कृपा करेंगे। शनिदेव के नाम से तेल और पैसा और दान मांगने वाले जो व्यक्ति आसपास घूम रहे होते हैं, हमें सोचना चाहिए कि शनिदेव उनसे तेल क्यों मंगवा रहे हैं। वे इतने स्वार्थी हो गए हैं कि शनिदेव के नाम से तेल मांगकर अपना घर संसार चला रहे हैं और शनिदेव को बदनाम कर रहे हैं। यदि उनके दिल में थोड़ी भी शनि के प्रति श्रद्धा होती तो रंग से राजा बनाने वाले शनिदेव सबसे पहले उन पर कृपा करते और उनको कभी मांगने पर मजबूर नहीं करते। वो अज्ञानता बस मांग रहे हैं और हम अंधविश्वासों को बढ़ाने के लिए मांगने वालों को डर से तेल दे रहे हैं या उनको दक्षिणा देकर और उनको भीख मांगने के लिए उकसा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अपराधी वह तो है ही, पर हम भी अपराधी हैं जो हम अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए यह कार्य ही बहुत गलत है। तेल मांगने वाले जितने भी शनिदेव को बदनाम कर रहे होते हैं वे असल में शनि पीड़ा का भाजन बन रहे होते हैं। यही कारण है कि वो कभी भी संपन्न और सुखी नहीं रह पाते जो शनिदेव के नाम से मांग कर खाते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे से उपाय, विधि विधान आप घर में करें और बड़ी बड़ी गलतियों से अपने आप को बचाएं, अंधविश्वास को फैलने ना दें, अंधविश्वास के अंधकार में एक छोटा सा दिया जलाएं। शनिदेव धर्म के देवता हैं। आपका कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारी निभाना, नैतिकता, मनुष्यता की स्थापना, ये सब उनके क्षेत्र हैं। वो देखते हैं कि आप कैसे भी दिखें पर आप अपने अंदर झांक कर देखें कि खुद आप अंदर से कैसे हैं। सर्वाधिक वास्तविकता, वैराग्य, परिपक्वता, रोग, शोक, बाधा, विपत्ति के समय आपकी परीक्षा,
ये सारा कार्य क्षेत्र शनिदेव देखते हैं। अनुशासन, भय, परिवर्तन, संघर्ष, अहंकार, छोटा काम जैसे जो अकड़ जाए उसे तोड़ देते हैं, जो झुक जाए उसे बना देते हैं। ये सब शनिदेव जी के दशा, महादशा, अंतरदशा के समय में देखा गया है। मैं सबसे पहले आपको शनिदेव की जन्म गाथा के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देती हूँ। शनि पुराण में शनिदेव की जन्म गाथा जो लिखी है वो आपको सुना रही हूँ। शनिदेव की जन्म गाथा जो सबसे अधिक प्रचलित है वह है स्कंद पुराण के काशी खंड में और ब्रह्म पुराण में। शनिदेव जी की उत्पत्ति की गाथा, शनिदेव जी की कहानी कुछ इस प्रकार है। सूर्य देवता का विवाह विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा के साथ हुआ था। विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा सूर्य देवता का अत्यधिक तेज सह नहीं पाती थी। उन्हें लगता था कि या तो मुझे तपस्या करके अपने तेज को बढ़ाना होगा या तपोबल से सूर्य की भीषण अग्नि को कम करना होगा। सूर्य के लिए पूर्ण पतिव्रता नारी थी वो। सूर्य के द्वारा संज्ञा के गर्भ से 3 संतानों का जन्म हुआ। पहली संतान का नाम था व्यवस्थव मनु, दूसरी संतान का नाम था यमराज और तीसरी का नाम था यमुना। यमराज और यमुना ये दोनों बहन भाई यमल थे, यानी जुड़मा थे। संज्ञा बच्चों से बहुत प्यार करती थी, मगर सूर्य की तेजस्विता के कारण बहुत व्याकुल परेशान भी रहती थी। एक दिन संज्ञा ने फैसला किया, क्यों ना मैं अपने तपोबल से अपनी ही जैसी नारी बना दूं और उसे अपने स्थान पर सूर्य व बच्चों की सेवा व देख रेख के लिए यहाँ रख दूं। मैं कहीं बाहर जाकर घोर तप करके सूर्य के योग अपने को शक्ति अर्जित करके बना डालूं। संज्ञा ने सोचा, सूर्य से अलग होकर मैं अपने मायके जाकर ही घोर तप कर सकती हूँ। यदि मायके में कोई विरोध नहीं हुआ तो कहीं दूर एकांत में जाकर तप करना उचित नहीं होगा। संज्ञा ने तपोबल से अपने ही जैसी दिखने वाली एक छाया को जन्म दिया जो बिल्कुल संज्ञा लगती थी, जिसका नाम उन्होंने सुवर्णा रखा। अतः संज्ञा की छाया सुवर्णा छाया को अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि आज से तुम नारी धर्म मेरे स्थान पर निभाओगी और बच्चों की परवरिश करोगी। यदि कोई विपत्ति आ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊँगी। मगर एक बात सदा याद रखना कि तुम छाया हो, संज्ञा नहीं हो। यह भेद किसी को भी कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। छाया से संज्ञा को वचन मिल गया कि जब तक अत्यधिक बड़ी मजबूरी या मुसीबत ना आई तब तक वह भेद नहीं खोलेगी। संज्ञा छाया को अपनी जिम्मेदारी सौंपकर अपने मायके चली गई। संज्ञा जब अपने पिता के यहाँ घर पहुँची तो पिता विश्वकर्मा ने बताया कि सूर्य को जो भी तेज है उसको सहन करना बहुत ज़रूरी है। अपने पति से बिना कहे मायके आना ये ठीक बात नहीं। यह सुनकर पिता ने संज्ञा को समझाया कि पति का घर ऐसे छोड़कर किसी भी नारी को मायके आना शोभा नहीं देता। बिना बुलाए बेटी यदि मायके में आए तो पिता व पुत्री दोनों को ही दोष लगता है। ऐसी स्थिति में जब तक सूर्य की इच्छा नहीं होगी हम तुम्हें मायके में नहीं रख पाएंगे। बेटी तुम शीघ्र अपने ससुराल सूर्य के पास लौट जाओ। संज्ञा ने पिता से सहयोग चाहा था पर पिता ने उनको वापस जाने की सलाह दी। अब संज्ञा सोचने लगी, यदि मैं वापस लौट कर गई तो छाया को मैंने जो सर्वस्त्र कारभार सौंपा है उसका क्या होगा? छाया कहाँ जाएगी और दोनों का भेद खुल जाएगा। मैं सूर्य के तेज को कैसे सह पाऊंगी? जिस लक्ष्य से छोड़कर घर आई हूँ यहाँ पर भी आई हूँ, घर भी नहीं जा सकती, वह लक्ष्य पूरा हुए बिना कैसे लौट जाऊँ? ऐसा सोचकर संज्ञा ने घनघोर जंगल में जो उत्तर कुरुक्षेत्र में था शरण ले ली और वहाँ जाकर तप करने लगी। इधर छाया और सूर्य के मिलन से 3 बच्चों का जन्म हुआ। छाया से सूर्य व सूर्य से छाया इस तरह संतुष्ट थे कि कभी संदेह ही नहीं हुआ कि छाया संज्ञा नहीं है, छाया है। क्योंकि छाया अपना पूर्ण पत्नी धर्म निभाती थी, अपने बच्चों को साथ साथ अपनी बड़ी संज्ञा के बच्चों को भी पालन पोषण करती थी। छाया ने जिन 3 बच्चों को जन्म दिया था उसमें से पहले का नाम था अष्टम मनु।
दूसरे से शनिदेव पैदा हुए और तीसरी पुत्री थी जिसका नाम था भद्रा तप्ती, जिन्हें आज हम ताप्ती नदी के रूप में जानते हैं। इस प्रकार छाया ने दो पुत्र व एक पुत्री को जन्म दिया। अब इस तरीके से छाया के तीन संतानें हुई और संज्ञा के भी तीन संतानें थीं। अब दोनों संतानें सब एक ही साथ रहती थीं। ऐसी स्थिति में शनिदेव बचपने में बड़े क्रोधी थे। बाल्यावस्था से क्रोध के आवेश से सदा अपने माता पिता व भाई बहन को परेशान करते रहते थे। माता से एक बार उन्होंने खाना मांगा, ऐसा कुछ प्रसंग आता है ग्रंथों में कि जब उन्होंने खाना मांगा और माता ने बहुत विलंब किया तो शनिदेव ने क्रोध में आकर थाली पर लात मार दी। माता पुत्र की अशिष्टता से बहुत क्रोधित हुई। माता ने शनि को श्राप दे डाला, जा तू लंगड़ा हो जाएगा। शनि ने दुखी होकर अपने पिता सूर्य को सारी बात बताई तो पिता आश्चर्य में पड़ गए कि माँ बच्ची को श्राप कैसे दे सकती है। तब ध्यान लगाकर पता लगाया तो जाना कि वह संज्ञा नहीं है, छाया है और उसका श्राप पुत्र को सुधारने के लिए है। तब सूर्य देवता ने कहा कि शनि, माँ का श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी पुत्र को माँ अपमान करने का दंड तो उठाना ही पड़ता है। माँ का अपमान यदि किया है तो तुम्हारा पैर टूटेगा नहीं, पर तुम चल सकोगे मगर लंगड़ा कर चलोगे, ऐसा प्रसंगों में दिया गया है। एक स्थान पर ऋषि के श्राप से चाल मंद हुई, ऐसा भी दिया गया है जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। कुल मिलाकर यह है कि शनि का नाम मंद और मंदेश्वर है। वह धीमी गति से चलते हैं। धीमी गति से चलने का कारण लंगड़ा के चलना भी हो सकता है, ऋषि के श्राप से भी हो सकता है, माँ के क्रोध से भी हो सकता है। प्रसंग अलग अलग तरीके से ग्रंथों में आते हैं। शनि वाली यह घटना को लोग अधिक मान्यता देते हैं कि शनिदेव का पैर वैसा भी एक थोड़ा सा छोटा होने से वे लंगड़ा का टेढ़ी दृष्टि से देखकर चलते हैं। ऐसा कहा गया है कि माँ के क्रोध से ही ऐसा हुआ है। पिता सूर्य ने फिर ध्यानस्थ होकर संज्ञा का पता लगाया। जब संज्ञा का पता चल गया तो फिर पिता अपने तप से सूर्य को वहीं पर जाने के लिए मन में विचार आया और वहां जाने के बाद उन्होंने संज्ञा को पहचान लिया। संज्ञा ने अपने तप से सूर्य को पहचान लिया। कहते हैं कि वहीं पर उत्तर कुरुक्षेत्र में ही संज्ञा ने दो अश्वनी कुमारों को जन्म दिया जो दोनों देवताओं के वैद्य कहलाए। संज्ञा अपने दोनों पुत्रों के साथ वापस सूर्य के साथ घर लौटी और छाया को भी अपने ही साथ रहने का आदेश दिया। दोनों को एक साथ रहने से छाया को बहुत कष्ट सहने पड़े, क्योंकि संज्ञा का अधिकार बड़ा था और संज्ञा के बच्चों का अधिकार भी बहुत था। शनिदेव से यह सब सहन ही नहीं होता था। वे क्रोधावेश में कहते कि मैं अपनी माँ का अधिकार भी माँ को दिलाकर रहूँगा। इसी से शिव भक्ति ने जन्म लिया। शनिदेव ने अपने पिता सूर्य से बार बार अपना अधिकार मांगा, अपनी माँ का अधिकार मांगा, पर पिता को भय था कि शनि की क्रूरता उनके अधिकारों का दुरुपयोग न करे, इसलिए वे शनि को जिम्मेदारी सौंपने को तैयार ही नहीं थे। एक कथा के अनुसार शनिदेव की उत्पत्ति महर्षि कश्यप के अभिभावकत्व में कश्यप यज्ञ से हुई। एक प्रसंग शनि के जन्म के समय का और ऐसा आता है कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तब शिव भक्तिनी छाया ने शिव की इतनी तपस्या की कि उन्हें अपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहा। इतना अपने आप को तपाया कि गर्भ के बच्चे पर भी तप का असर आ गया। छाया की भूखे प्यासे धूप गर्मी में तपने से गर्भ में ही शनि का रंग काला हो गया। शनि के अंदर तपस्या का बल तो बहुत आ गया मगर सुंदरता कम हो गई, रंग काला हो गया। जब शनि का जन्म हुआ तो सूर्यदेव शनि को काले रंग का देखकर हैरान रह गए। सोचने लगे, मेरे सारे बच्चे खूबसूरत हैं, मैं अति क्रांतिवान हूँ, फिर यह बच्चा मेरा होकर इतना असुंदर क्रांतिविहीन कैसे हो सकता है। उन्हें छाया पर शक हो गया, क्योंकि उस समय वे यह नहीं जानते थे कि छाया की संज्ञा छाया है।
वह तो अनभिज्ञ थे, वह तो सोच रहे थे कि यह संज्ञा ही है, शिव की तपस्या में तपने वाली नारी है। उन्होंने छाया का अपमान कर डाला, कहा यह मेरा पुत्र नहीं है। छाया ने सूर्य को बहुत विश्वास दिलाया कि तुम्हारा ही यह अंश है, मगर सूर्यदेव बोले कि यह मेरे जैसा खूबसूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे अपना पुत्र नहीं मानता। शनिदेव के अंदर जन्म से ही माँ की तपस्या शक्ति का बल था। शनिदेव ने देखा कि मेरे पिता माँ का अपमान कर रहे हैं, मेरे कारण मेरी माँ को अपमान सहना पड़े यह उचित नहीं है, और उन्होंने क्रूर दृष्टि से अपने पिता को देखा तो पिता की पूरी देह का रंग काला हो गया, घोड़ों की चाल रुक गई, रथ आगे नहीं बढ़ सका। सूर्यदेव परेशान होकर शिवजी को पुकारने लगे। शिवजी ने सूर्यदेव को समझाया, सत्यता बताई और कहा आपके द्वारा नारी व अपने पुत्र दोनों का अपमान हुआ है, इसलिए यह दोष लगा है। सूर्यदेव ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और शिवजी के कहने से शनिदेव को अपना पुत्र स्वीकार किया। पुनः सुंदर स्वरूप घोड़ों की चाल फिर सूर्यदेवता को प्राप्त हो गई। शनिदेव तभी से पिता के विद्रोही हो गए और शिव के भक्त और माता के प्रिय हो गए। वे माता को बहुत प्रेम करते हैं।